हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम बैक टू द क्रिस्टल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सब्जेक्ट साइंस. स्टैंडर्ड 8, चैप्टर 6, कंबशन एंड फ्लेम. ओके, एंड दिस इज माय सेकेंड वीडियो, पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. And in first chapter, we have seen that is what is combustion, what is ignition temperature, what is required or required to blow the candles. Okay, everything with activities we have seen. But before going to the new topic in this chapter, we will just revise it first. Okay, so let's start to revision. In this paragraph, it is said that like fuels like cow dung, fuels like cow dung, that is wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gases. These fuels are used for that is means running the engine जो हमें run करना हो. suppose मैं petrol की बात करूँ, then petrol is needed into the Activa, into the car, into the vehicles. okay, not in a cycle, but this type of engine जिस व्हीकल्स में होते हैं उसमें ये सारे फ्यूल्स वर्क करते हैं. ओके, सो दिस ऑल आर द रिक्वायर्ड. ओके, नाउ यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल्स ऑल्सो, यस और नो? यस. सो डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल्स एंड बर्निंग ऑफ कोल वो क्या है? यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि कैंडल्स को आप बर्न करोगे तो देन यू विल गेट फ्लेम. ओके, when candle you will burn, you will get flame. okay, and when you will burn coal, then you will get fumes. got it? okay, so what is the difference between these two? that means coal is giving you the fumes and candle will gives you the flame. but why? wo bhi ek question hai na. वो हमें फ्यूम्स क्यों देता है? नाउ फ्यूम्स इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कोल इज टोटली ऑफ कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन. ओके, सो कार्बन तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोल में होता है, इसीलिए इफ इट विल बी बर्न्ड देन इट विल गिव यू द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो नाउ व्हाट इज कंबशन? तो कंबशन समझने के लिए यहाँ पे एक मैग्नीशियम, हमें मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करना है. देन यू विल बर्न मैग्नीशियम रिबिन, देन यू विल गेट ओवर हियर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, फ्यूम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड यू विल गेट. सो ऑक्साइड फॉर्म यू विल गेट, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन इन आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज फोर्थ चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल्स. उसमें हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो ऑक्साइड्स देते हैं. ओके, एंड नॉन मेटल्स जो है इट विल नॉट गिव्स यू द ऑक्साइड्स फॉर्म. सो मेटल ओवर हियर वी हैव सीन दैट वी हैव टेकन ओवर हियर मैग्नीशियम मेटल. ओके, एंड देन आफ्टर इट विल गिव्स यू द, हाँ, इट विल गिव्स यू द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. नाउ हियर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मिला, लेकिन साथ में हीट भी मिली कि नहीं? हाउ? कैंडल मैंने ब्लो की, आई जस्ट ब्लोड द कैंडल. तो कैंडल मैंने जैसे ब्लो की तो वहाँ पे जो है वो आपको लाइट मिली. फिर आपका हैंड जो उसके सराउंडिंग रखोगे, इफ यू विल कीप योर हैंड सराउंडिंग इट देन ऑल्सो यू विल फील बर्न्ट योर हैंड. यस और नो? यस, योर हैंड इज हर्टिंग और बर्निंग बाय कैंडल. यस ऑफ कोर्स, सो इट मीन्स दैट यू गेट द हीट एनर्जी देयर, यू गेट द लाइट एनर्जी देयर, एंड ऑल्सो फ्यूम्स ऑल्सो इज क्रिएटिंग. फ्लेम तो है लेकिन फ्लेम के ऊपर भी थोड़ा बहुत फ्यूम्स निकल रहा है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ थ्री थिंग्स यू विल से यू विल गेट, दैट इज ऑफ फ्यूम्स ऑल्सो, हीट एनर्जी ऑल्सो एंड लाइट एनर्जी ऑल्सो. सो वॉट एवर थिंग्स इफ यू बर्न देन यू विल गेट दिस थ्री थिंग्स. ओके, हीट एंड लाइट एनर्जी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी. ओके, लेकिन जो फ्यूम्स है वो जो गैस निकलता है वो डिफरेंट.
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सपोज मैं चारकोल को बर्न करूंगी तो मुझे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट मिलेगी। ओके, बट मैग्नीशियम रिबिंग आई विल बर्न इट इफ देन यू विल गेट द ईयर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस एनर्जी। सो हीट एंड लाइट। ओके, सो हीट एंड लाइट एनर्जी विल गेट इन एवरी थिंग्स वेन यू विल बर्न, दिस इज द सेम थिंग्स। बट एज द गैसेज इज रिप्रोड्यूस, ओके, एंड क्रिएटिंग दैट यू विल गेट दैट दिस गैसेज आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नीड्स। गॉट इट? ओके, सो हियर वी कैन से दैट द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंब्यूशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं सब्सटेंस में, ओके, एंड इट विल गिव यू द हीट, ओके, देन इट इज कॉल्ड कंब्यूशन, ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन प्रोनाउंसिंग दैट कंबस्टन और कंब्यूशन। गॉट इट? ओके, एंड दैट सब्सटेंस अंडरगोस कंब्यूशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। तो कंबशन कैसे उसे हो गई, जो सपोज मैंने बोला पेट्रोल है, डीजल है, तो पेट्रोल को थोड़ा बहुत चिमटी दोगे तो वो आपको दिखेगी कि नहीं, थोड़ा बहुत आप पेट्रोल को चिमकी दोगे फायर की तो वहाँ पे ब्लास्ट प्रोड्यूस होगा। ओके, सपोज मैं डीजल भी ले सकती हूँ, कैरोसिन भी ले सकती हूँ, कैरोसिन को भी थोड़ा बहुत चिमकी दोगे तो भी ब्लास्ट होगा। ओके, तो ये जो फ्यूल्स है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल्स, कंबस्टिबल जो है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल्स। एंड फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स कौन से है, दैट इज पेट्रोल, डीजल एंड देन कैरोसिन, ओके, एंड देन व्हाट इज इट कॉल्ड, कोल। ओके, सो दिस टाइप ऑफ पैराफिन वैक्स, वैक्स ऑल्सो इज देयर। ओके, सो दिस टाइप ऑफ, हाँ, दिस टाइप ऑफ fuels are also existed into the combustible substances. Got it? Yes, and our food is also work as a fuel for our body, that also we have done in last my video. I have already taught you very very nicely and very deeply that why, how these fuels are how these foods we are taking, they are working as a fuel for our body. It means what? That petrol is required for running the Activa or running the engine, okay, engine of the Activa, okay, and if it is petrol is less of, and otherwise petrol tank jo hai, that is empty, then what will happen? It will not work, Activa will not run, okay, you can't drive it. So that's why, and in a same way you can say that as we are taking a food, as we are taking a food, then and only then our mind will work and you can read very well, you can remember also very well whatever you have read. Okay, but if you don't eat, then what will happen? Yes, of course, you may suffering from the fever, you may suffering from the BP low, okay, blood pressure low ho jayega, sugar level low ho jayega, okay, then you will feel also that type of fizzy, okay. So that's why these are the calls, that's why foods are required for our body, okay. And then after we have seen also that kaun sa substances, which materials are combustible and which materials are non-combustible, that also we have seen, that is wood, paper, iron nails, that also activity we have done, okay. And this activity also we have done in a chimney, glass chimney, from bottom side of the lid and upper side level also, from both the sides oxygen is coming, so that's why flame is there. But in the one of the sides I just keep it that to prevent the oxygen to come there, go there, so that's why it will give you not the flame, only fumes you will get. And in the third topic, that is third level, that is from both the sides I have covered by the cardboard, so there is no any oxygen particles, so you will get over here fumes also, not over here the flames also, okay. So oxygen is required to blow the flame.
ओके ओके फिर आपने हमने ये भी देखा था ब्लैंकेट वाला इश्यूज जो है दैट ऑल्सो वी हैव सीन बट लेट्स स्टार्ट यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विथ द ब्लैंकेट इज एक्सटिंग्यूश्ड फायर इट मीन्स व्हाट सी ब्लैंकेट से उसको कवर किया जाएगा ओके नाउ रिकॉल सम योर एक्सपीरियंस डज अ मैस्टिक बर्न बाई इट सेल्फ हाउ डज इट बर्न हाँ मैस्टिक इसके अपने आप से जलती है या फिर हम उसको रब करते हैं तभी उसको जलती है क्यों वाई हाँ ये सारा का सारा हमने क्वेश्चंस देख लिए थे क्यों ऐसा क्यों होता है केरोसिन रूम टेम्परेचर में रखोगे तो वो बर्न नहीं करने लगेगा ब्लास्ट नहीं करने लगेगा आप मैस्टिक रूम टेम्परेचर में रखोगे देन ऑल्सो इट विल नॉट वर्क टू ब्लास्ट ओके देन सपोज मैं बोल देती हूँ सपोज व्हाट इज इट कॉल्ड हाँ वुड की भी बात करें चलो जो मैस्टिक में जो वुड है वो भी ऐसे ऐसे थोड़ी ना फायर होता है फॉरेस्ट फायर की बात करें तो फॉरेस्ट फायर में भी ऐसे ऐसे तो फायर होता नहीं है तो क्या मीनिंग्स है व्हाट आर द डिफरेंसेस तो ऐसे इसे तो कैसे कैच फायर ऐसे तो कैसे फायर कैच कर लेते हैं वो लोग रूम टेम्परेचर में तो होता नहीं तो सपोज मैं केरोसिन की बात करूँ तो केरोसिन भी पेट्रोल है तो पेट्रोल भी एज इट इज रखोगे देन ऑल्सो नो इफेक्ट विल बी देयर ओके केरोसिन रखोगे देन ऑल्सो नो इफेक्ट विल बी देयर हाउ एंड वाई सो इट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर उसको क्या होता है कि सपोज केरोसिन है तो केरोसिन रूम टेम्परेचर में सपोज ब्लास्ट नहीं करेगा ओके लेकिन थोड़ी बहुत चिमकी हम फायर की दे तो वो सारा का सारा बर्न होने लगेगा ओके इसका मतलब क्या है कि उसके इग्निशन टेम्परेचर से हम थोड़ा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको दे ओके देन इट विल गिव यू द रिजल्ट इट मीन्स वॉट इज इग्निशन टेम्परेचर दैट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर ओके तो मैंने बोला अभी कि मैटस्टिक ऐसे ऐसे तो ये फायर नहीं करेगी मैटस्टिक बट उसको रब करोगे तो रबिंग इट ऑन द वन साइड एंड मैस्टिक विल ब्लो इट ओके तो उसको जो इग्निशन टेम्परेचर उसका जो टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा हमने टेम्परेचर दिया थोड़ा बहुत तो लोअर टेम्परेचर दिया थोड़ा बहुत दिया ओके देन इट विल गिव यू द रिजल्ट गॉट इट सो वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर जो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है जैसे ही हम उसके टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देंगे ओके इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है सपोज ये टेम्परेचर में वो ब्लास्ट नहीं करेगा ओके तो उससे लोअर नहीं देंगे और उससे थोड़ा बहुत देंगे हायर देंगे तो इट वो ब्लास्ट करने का शुरू हो जाएगा ओके सो इट कैन नॉट कैच द फायर और बर्न इग्निशन टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हम उसको रखेंगे देन वो फायर कैच नहीं करेगा हैव यू एवर सीन द कुकिंग ऑयल कैचेस द फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव यस केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन इट्स एट इट रूम टेम्परेचर यस केरोसिन एंड वुड को आप ऐसे ही ऐसे रखोगे रूम टेम्परेचर में तो वो फायर करने को शुरू नहीं करेगा ओके बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर यस इग्निशन टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो इट विल फायर बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटल
Understand? So does it mean that ignition temperature of polyester oil is lower than that of the wood? Okay. So does it mean that we need to take special care in storing kerosene? Yes. The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to 1. तो ये जो एक्टिविटी है वो हमने कल की थी, ओके? वो इस एक्टिविटी में क्या है? What is in this activity? That is make two paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle. And what do you observe? So make two paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle. What do you observe? एक कप में आपको वाटर रखना है, एक कप एम्प्टी रखना है, ओके? एंड देन आफ्टर आपको उसको बोथ को हीट देना है. देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? देन यू विल ऑब्जर्व दैट इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? यस और नो? Yes, the heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. देखो, जब water हम रखेंगे ना, तो क्या होगा कि paper तो एक side रह गया burn होने का, लेकिन water में heat चली जाएगी. तो and water में कौन सी phenomenon use होगी? Conduction phenomenon. Okay, and this conduction phenomenon we have seen in our last लास्ट चैप्टर में हमने देखी थी कंडक्शन फिनोमिनन कैसी होती है. व्हाट इज द कंडक्शन फिनोमिनन? ओके, गॉट इट? सो इसीलिए, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड. इट मीन्स पेपर यहाँ क्यों बर्न नहीं हुआ? क्योंकि जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो वाटर ने ले लिया, ओके? इसीलिए यहाँ पे बर्न ना हो पाया. So hence it does not burn. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. देखो, जो सब्सटेंस को वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो हो एंड वो इजीली फायर कैच कर सके फ्लेम के साथ, ओके, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल्स क्या है? पेट्रोल है, अल्कोहल, एलपीजी, सो एट्सेट्रा. कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? पेट्रोल है, अल्कोहल, केरोसिन भी आ गया, ठीक है? नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हाउ डू वी कंट्रोल फायर? दैट वी विल सी दैट हाउ डू वी कंट्रोल फायर. You must have seen or heard about fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. Okay, see. यहाँ पे क्या कहा गया है कि कंट्रोल फायर को कंट्रोल कैसे कर सके, लेकिन बहुत ब्लास्ट होता है, बहुत फायर होता है. आप लोगों ने देखा होगा शायद, अभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि सूरत में ही एक इंसिडेंट हुआ था कि एंड वो भी ट्यूशन क्लासेस में जो इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे क्या होता था कि बहुत फायर हो गई और फायर की वजह से वहाँ पे सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो बंट हो गई. यहाँ अहमदाबाद में भी कितनी बार हुआ है, तो ऐसे ऐसे प्लेसेस में कितनी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे फायर बहुत सडनली फायर कैचअप कर दिया है और वो जो सारी की सारी बिल्डिंग है वो क्या होती है, स्पॉइल हो जाती है. इट मीन्स व्हाट, कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, हाउ डू वी कंट्रोल द फायर. ओके, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे आप मशीन देख रहे हो. फायरमैन क्या कर रहे हैं? एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर. देखो, फायरमैन क्या कर रहा है यहाँ पे, कंट्रोलिंग द फायर. तो डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? यस, फायर ब्रिगेड स्टेशन आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि फायर होते हैं तो सडनली जो फायर ब्रिगेड स्टेशन आ जाके, पता है ना आपको, फायर को कंट्रोल कर देते हैं. यस और नो? अब तो अभी बहुत सारी स्कूलों में भी ऐसा स्कूल है, बिल्डिंग्स है, कंपनीज है, उसमें वो लोग रखते हैं फायर स्टेशन का जो इक्विपमेंट्स है वो, और
वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट्स को भी वो उसकी ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग के साथ साथ क्या है कि कुछ भी होगा तो वो सडनली उसको रिएक्शन और एक्शन में लाके उसको फायर को वहां पे प्रिवेंट करेगा। ओके, सो व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। वाटर कूल्स द कम्बस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके, तो वाटर का टेम्परेचर कितना रखा गया है कि इग्निशन टेम्परेचर से बिलो, ओके, कम रखा गया है। इसीलिए क्या होगा कि ये वाटर बहुत कूल वाटर होगा, तो इससे इससे क्या होगा कि ये जो फायर है वो बुझ जाएगी। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर इज एक्सटिंग्यूस्ड। ओके, सो यू हैव लर्न दैट देर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट्स? दिस आर फ्यूअल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूअल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। मैंने अभी आपको बोला इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, आई जस्ट टोल्ड यू दैट थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्यूअल, एयर एंड हीट। ओके, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिज रिक्वायरमेंट्स। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्यूशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूअल और बोथ। यहाँ पे क्या कहा गया है कि फायर कैसे कंट्रोल किया जाता है कि रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी, वन और मोर रिक्वायरमेंट्स को, उसको रिमूव किया जाएगा। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्यूशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूअल और बोथ। यहाँ पे क्या होगा कि जो एयर जो है, एयर की वजह से वहाँ पे फायर क्रिएट होगा। ओके, तो वो एयर को ही वहाँ पे दबा देंगे। ओके, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो फायर जो स्प्रेड होगी वो स्प्रेड होने की बंद हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, एंड जो जहाँ पे फायर है वहाँ पे वो वाटर से क्लीन करेंगे। ओके, सो नोटिस दैट, ये दिखाई दे रहा है आपको, कैन यू सी ओवर हियर? नोटिस दैट इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी इलिमिनेटेड। इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेज फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूअल। कुछ फायर ऐसे होते हैं कि वो हम उसको कैचअप, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे एक आपको बताया गया है सिलेंडर, दिस सिलेंडर वेरी नाइस, एंड यहाँ पे ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो वो हमारी स्कूल में भी है। कभी आओ तो देखना कि हमारी स्कूल में बहुत सारे सिलेंडर रखे गए हैं। ओके, सो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। सी, इलेक्ट्रिसिटी में फायर होगी तो क्या करेंगे, वाटर एंड पेपर में तो है तो हम चला देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में फायर होगा तो क्या करेंगे हम, वाटर डालेंगे तो उतना वो रिएक्शन हमें ही देंगे ना। वो जो जो वाटर देके उसको प्रिवेंट करेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो करंट हमें ही लगेगा ना। तो उसके लिए क्या है, सो वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। ओके, देखो ऑयल में भी जो आग लगी तो वो भी वाटर से नहीं बुझेगी, क्यों? क्योंकि वाटर इज हैवियर देन ऑयल एंड ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। ओके, तो वाटर जितना डालोगे उतना ऑयल में फायर ही होने की शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑयल तो ऊपर आ गया ना, वाटर तो नीचे चला गया, तो वहाँ पे क्या यूज होता है, वॉट इज देयर टू यूज। सो हियर फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल्स लाइक पेट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्यूशर। ओके,
पेट्रोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है जो है वो ऑक्सीजन से हैवियर है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे एज अ ब्लैंकेट वर्क करेगा। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल्ड। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन द मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो फायर लगेगी तो ये जो है सिलेंडर वो आपको यूज करना पड़ेगा, और उसमें क्या भरा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रिवेंट करेगा। ओके हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी स्टोर्ड इन हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। ओके इन वॉट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, वेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड एनमर्सली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, दैट इज वाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्यूशर। अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाई कार्बोनेट और पोटेशियम बाई कार्बोनेट नियर द फायर, दीज केमिकल्स गिव ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फायर। ओके सो हियर वी हैव सीन सो मेनी टॉपिक्स एंड लास्ट इन माई लास्ट वीडियो दैट इज पार्ट 3 वी विल सी दैट अबाउट टाइप्स ऑफ कंबशन, दैट इज रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, वो कैसे है। ओके एंड देन आफ्टर वी विल सी अबाउट फ्लेम ऑल्सो। ओके देन वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम ऑल्सो वी विल सी। ओके एंड देन आफ्टर वॉट इज अ फ्यूअल, फ्यूअल एफिशियंसी वी विल सी। ओके एंड देन आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूअल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। सो ऑल द टॉपिक्स 4 to 5 टॉपिक्स आर रिमेनिंग इन दिस वीडियो, सो दैट वी विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड देन प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज वॉच द वीडियो, दिस इज इट्स ऑलरेडी हेल्पफुल फॉर यू पीपल ओनली। ओके दिस इज फॉर यू, सो प्लीज वॉच द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर रीडिंग। ओके बाय एवरीवन, प्लीज एवरीवन, ओके एवरीवन, बाय एवरीवन, एंड प्लीज सी माय वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द रिमेनिंग टॉपिक्स एंड देन आफ्टर वी विल फिनिश आवर चैप्टर 6 एंड देन वी विल गो थ्रू आवर चैप्टर 7। ओके एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस ऑन टू द जूम लेक्चर। And please be continue reading at your home. Yes, of course you are at your home, so you will not be that much of responsible that you were working into the school. Okay, but at home also try yourself to do work at your home very very nicely and read also. If your base will not be completed over here, then also ahead corona will be gone. Okay, after 1 year or 2 years, but you will be into the next stages now. But into the next stages, if you come and if you don't know the last stage, the base, if you don't know, then how will you able to write or how will you able to understand the topics in a higher standard? So that's why please concentrate over here into the videos and Zoom lectures and keep the textbook with you. If you don't know, if you don't understand any topic, then note down. But I just wanted to say, I mean to say that concentrate at your home like a school only. Understand? So bye everyone. Hope you understand. Bye everyone. Goodbye. Have a nice day. Bye.